नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज व्यूज 360 और मैं हूं आपके साथ विपुल कुमार। लोकसभा चुनाव 2019 दिन ब दिन नजदीक आते जा रहे हैं, ऐसे में आज हम एक और हाई प्रोफाइल सीट बागपत की बात करेंगे। यह वही सीट है जहां से अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी चुनावी मैदान में है। जयंत चौधरी सपा बसपा और आरएलडी के गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वहीं यहां से मौजूदा सांसद बीजेपी के सत्यपाल सिंह हैं। इस जगह को इसलिए खास बताया जाता है क्योंकि यहां जाटों की संख्या काफी ज्यादा है। बागपत को अगर आप ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो यह वही जगह है या वही पांच जगहों में से एक जगह है जिसकी मांग पांडवों ने कौरव से की थी। बहरहाल इस जगह को बागपत इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर बाघ बहुत पाए जाते थे और इसका पुराना नाम व्याघ्रप्रस्थ था, लेकिन मौजूदा समय में इसका नाम बागपत है। खैर, ये सब हुई ऐतिहासिक बातें, लेकिन आइए जानते हैं क्या रहा है बागपत का राजनैतिक इतिहास। वीडियो देखिए। लोकसभा चुनाव 2019 के प्रथम चरण के लिए 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसी दिन उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा सीटों पर भी मतदान होगा। बागपत लोकसभा सीट पर भी पहले चरण में ही वोटिंग होनी है। बागपत लोकसभा सीट को जाटलैंड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह सीट आरएलडी का गढ़ रहा है। हालांकि यहां से कांग्रेस शुरुआती दौर में 5 बार किला फतह कर चुकी है। वहीं लोकदल, बीएलडी, जनता दल और आरएलडी के झंडे तले चौधरी चरण सिंह व चौधरी अजीत सिंह का भी इस सीट पर वर्षों तक कब्जा रहा। बीजेपी भी यहां से 2 बार विजयी बनने में कामयाब रही है। 1998 में बागपत से पहली बार बीजेपी के किसी उम्मीदवार ने जीत हासिल की और दिल्ली का रास्ता साफ किया। वहीं 2014 के चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सत्यपाल सिंह बागपत से जीते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां से लगातार दूसरी बार इस सीट पर जीत हासिल नहीं की है। 1998 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को इस सीट पर 16 साल बाद जीतना नसीब हुआ। बीजेपी भी यहां से 2 बार विजयी बनने में कामयाब रही है। 1998 में बागपत से पहली बार बीजेपी के किसी उम्मीदवार को दिल्ली जाने का मौका मिला। वहीं 2014 के चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सत्यपाल सिंह बागपत से जीते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां से लगातार दूसरी बार इस सीट पर जीत हासिल कभी नहीं की। 1998 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को इस सीट पर 16 साल बाद जीत नसीब हुई थी। बागपत लोकसभा सीट के इतिहास पर नजर डालें तो अब तक यहां से 5 बार कांग्रेस और 1967 में 1 बार निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। उसके बाद वर्ष 1977 से वर्ष 2009 तक चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह का बागपत सीट पर छत्र राज रहा है। हालांकि 1998 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी सोमपाल शास्त्री ने चौधरी अजीत सिंह को चुनाव हरा दिया था। उसके बाद यहां से बीजेपी को जीत दर्ज करने में 16 साल लग गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त डॉक्टर सत्यपाल सिंह को प्रत्याशी बनाया था। डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की थी। इस चुनाव में भी बीजेपी ने डॉक्टर सत्यपाल सिंह पर दाव खेला है। तो वहीं बीएसपी, एसपी और आरएलडी गठबंधन की ओर से लोकदल के मुखिया अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी मैदान में हैं। अब देखना ये है कि क्या जयंत चौधरी खुद को चुनावी रण में साबित कर पाएंगे या फिर बीजेपी फिर से बाजी मार ले जाएगी। तो देखा आपने 2019 के लोकसभा चुनाव में बागपत का चुनावी रण काफी दिलचस्प होने वाला है। हम इसी तरीके से देश की अलग अलग लोकसभा सीटों पर विश्लेषण लेकर आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज व्यूज 360।